अगर आप भी देर रात तक जाकर अपने रिश्तेदारों से, अपनी किसी साली से या किसी दोस्त से बात करते हैं तो सावधान हो जाइए। हम रोज को काम करते हैं, MB15 होटल में काम करते हैं। एक दिन साली से बात हुई थी, उसके दूसरे दिन वो लड़के आए और हमें मार के चले गए। उनने वजह नहीं बताई, सिर्फ ये बता रहे थे कि उनके उससे बात क्यों करते हो। किससे? साली से। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी, स्वागत है आपका सागर खबर 24 की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सागर के मकरोनिया थाने से बीते दिनों एक नया मामला निकलकर सामने आया है, जहां कुछ लोगों द्वारा एक गिरोह बनाकर, एक समूह बनाकर एक व्यक्ति को उसकी कार्यस्थली से, जिस होटल में वो काम करता है, वहां से खींचकर उस पर छुरी से वार करके उसे घायल कर दिया गया। उसे जान से मारने की कोशिश की गई। मामले की पूरी जांच पड़ताल करने पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मामले की असली वजह एक लड़की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिस व्यक्ति पर हमला किया गया वह लड़की और कोई नहीं, उसकी साली है। अपनी साली से देर रात को फोन पर बात करने को लेकर साली के कथित बॉयफ्रेंड द्वारा इस तरह का काम लड़की के साथ किया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपनी ही साली से देर रात फोन पर बात करने को लेकर यह पूरी वारदात हुई है, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अगर आप भी देर रात तक जाकर अपने रिश्तेदारों से, अपनी किसी साली से या किसी दोस्त से बात करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल जिस इस तरह की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है, लोगों में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, लोगों में कानून के प्रति जैसे एक प्रकार का डर खत्म ही हो गया हो, लोगों को किसी बात की चिंता नहीं, चिंता है तो बस उस लड़की की, भले ही वह अपने रिश्तेदारों से भी क्यों ना बात कर रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? हम आकाश शहरवार नाम है, सानोधा के हैं। परसों आपके साथ एक घटना हुई जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आप पर चाकू से हमला किया गया जी। ये क्या घटना थी और क्यों, उसके क्या रंजिश है उस व्यक्ति की आपसे? हमारी उससे कोई ना दुश्मनी थी, ना हम उसको जानते थे कभी, ना हमने उसको देखा है। हम रोज को काम करते हैं, MB15 होटल में काम करते हैं। एक दिन साली से बात हुई थी, उसके दूसरे दिन वो लड़के आए और हमें मार के चले गए। मारने की वजह बताई उन्हें, क्यों मारा? उनने वजह नहीं बताई, सिर्फ ये बता रहे थे कि उनके उससे बात क्यों करते हो। किससे? साली से, राधिका नाम की लड़की से बात क्यों करते हो। अच्छा, उनको जलन हो रही थी उस बात से कि हम बात करते थे। आप अपनी साली से बात करते हो तो इनको परेशानी हो रही है, ये घर के हैं आपके, कौन है? नहीं, ना हम इनको जानते हैं, ना उनके घर के थे। तो है कौन? साली के बॉयफ्रेंड थे। अच्छा, क्या नाम है इनका? अमित अहरवार। कहाँ के निवासी? ये शंकरगढ़ के हैं, और हमने कभी इनको ना देखा है, ना जाना है, ना कभी फोन आया है इनका। आपको चाकू कहाँ, होटल के अंदर ही मारा गया है, बाहर निकाल के? बाहर निकाल के मारा गया, वो बाहर हमें किचन में से खींच के ले गए थे बाहर। अच्छा, इसके बाद आपने शिकायत दर्ज कराई? नहीं, हमने शिकायत कोई दर्ज नहीं करवाई, और पुलिस थाने में प्रेम संबंधों को लेकर या प्रेम से कोई जैसा को लेकर के आरोपियों द्वारा जो है चाकू मारा गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है, उनको जेल भेज दिया है। तो किस संबंध में कहते हैं दृष्टि क्या दिखा? और प्रथम प्रत्यय पाया गया है कि आरोपी जो है वो एक महिला से प्रेम करते हैं, जैसे कि शायद आहत की बात हो रही है, इस विषय को लेकर हम घटिया पाया गया है। तो किस थाने का था? मकोनिया थाना। मामले की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिवम तिवारी, सागर खबर 24।